हमारे प्रमोशनल टीम ने एक बहुत ही नॉवल आइडिया बनाया है कि हम एक कॉन्टेस्ट रखने वाले हैं जो हम एक शादी फ्री कराएंगे। तो एक्चुअली हम यशराज की तरफ से एक फ्री शादी कराने वाले हैं, एक रियल लाइफ कपल की। तो बॉलीवुड कपल शायद वो नहीं हो, लेकिन एक रियल लाइफ कपल की शादी हम ज़रूर कराएंगे सर। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का लौंडा हूँ, एक नाम है बिट्टू शर्मा, और कॉलेज का थर्ड ईयर ख़त्म होने के बाद बिट्टू शर्मा माय कैरेक्टर इज कन्फ्रंटेड विद व्हाट टू डू नेक्स्ट इन लाइफ। तो वो सोचता है, वो अनुष्का जी के कैरेक्टर श्रुति कक्कड़ के साथ एक बिजनेस शुरू करते हैं जिसका नाम है शादी मुबारक। और कॉलेज के ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद वी स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर और वहाँ से हमारी जर्नी शुरुआत होती है। पहली बात है, जो हमारे डायरेक्टर हैं फिल्म के वो खुद दिल्ली से हैं और इवन द राइटर ऑफ द फिल्म ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली। तो हम लोगों को स्क्रिप्ट पे काफ़ी कुछ मिल गया था टू प्ले विथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने बहुत ज़्यादा अपनी कजिन्स को जो दिल्ली में रहते हैं उनको स्टडी किया था और एक दो फिल्में मैंने देखी थी जो रिसेंटली जो दिल्ली पे बेस्ड थी और दिल्ली के यंग यूथ को यू नो पोर्ट्रे कर रही थी। तो वहाँ से आई पिक अप अ बिट एंड मोस्टली एक्चुअली फ्रॉम माय कजिन्स, इट्स जस्ट द वे दे स्पीक, जिस तरह से वो बातें करते हैं। फिल्म वो ही दिखाती है कि आजकल क्या होता है कि जो यंगस्टर्स होते हैं, इवन मी, हम लोग काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ओवर लव, बिकॉज वी फील लाइक कि अगर लव शव के चक्कर में पड़ गए तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। एंड श्रुति एक ऐसी लड़की है, श्रुति कक्कड़, वो बहुत ही एम्बिशियस है और वो बहुत कुछ करना चाहती है और वो बचपन से ही वेडिंग प्लानर बनना चाहती थी। वो जब भी शादियों में जाया करती थी अपनी पेरेंट्स के साथ, उसको तब से लगा था कि भैया मेरे को तो वेडिंग प्लानर ही बनना है। हाँ जी, जैसे कि आपने बोला, बहुत सही बोला कि पुराने ज़माने में ऐसे होता था कि मामे चाचे मिलके करा लेते थे शादी, लेकिन वो पुराना ज़माना अब पुराना ज़माना ही है। ये नया ज़माना है, नया इंडिया है, इकोनॉमी इज़ ओपनिंग अप, एवरी एवेन्यू, एवरी बिजनेस इज़ नाउ ग्रोइंग एंड इंक्लूडिंग द लाइन ऑफ वेडिंग प्लानिंग। इट्स अ बर्जनिंग बिजनेस इन इंडिया एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स इज़ व्हाट वी प्ले इन द फिल्म एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। दे मेक अ फ्रेश स्टार्ट इन अ फ्रेश लाइन ऑफ वर्क। अभी हाल ही में ये बिजनेस की ग्रोथ हुई है वेडिंग प्लानिंग की, सो दे यंग कैरेक्टर्स एंड दे आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। दीज टू पीपल आर सो एंडियरिंग एज टू कैरेक्टर्स एंड देयर एनर्जी इज टुगेदर, इट्स अमेजिंग एंड दैट्स व्हाट ट्रांसलेट्स इनटू देयर वर्क एज वेल। तो तभी हम लोगों के जो शादियाँ वो प्लान करते हैं थोड़ी हटके होती हैं, थोड़ी अलग होती हैं। जगहें होती है ना दिल्ली में, आप लोग जहाँ से, अगर आप में से कोई दिल्ली से है तो जनकपुरी, गोविंदपुरी, यहाँ पे सुना नहीं जाता है कि वेडिंग प्लानर्स, मतलब वेडिंग प्लानर्स क्या, एवरीबडी इज़ लाइक वेडिंग प्लानर्स मतलब वो क्या होता है। तो ये लोग अपने अपने स्टाइल में, जिस तरह से ये लोग हैं, इनके कैरेक्टर्स जैसे हैं, उस तरह से लोगों को कन्विंस करते हैं कि भैया वेडिंग प्लानर्स ले लो, क्योंकि अपनी शादी में आप लोग मज़े करिए, टेंशन सब आपकी, सॉरी टेंशन हमारी, शादी आपकी। So she was very professional, she was very cool, confident and calm about her work. She was very supportive of me given that it was my first film. So zahir hai ki kuch nervous energy hogi. Anushka, just like her character in the film, is very focused, very determined. Bahut hi honhaar sushil ladki hai. Aur lekin aisa nahi hai ki honhaar sushil hai to she is timid. Wo bahut hi spunky character hai aur she is वो बहुत तड़के वाली है, दिल्ली की लड़की है। जैसे मेरा बैकग्राउंड रहा है, जो मेरी जर्नी रही है सो फार, उस हिसाब से तो यशराज के साथ टू बी द फर्स्ट एवर सोलो हीरो लॉन्च बाय यशराज इज अ ड्रीम कम ट्रू। आई कुड नॉट हैव थॉट ऑफ अ मोर अकम्प्लिश्ड, मोर a better company to have been launched by than Yashraj Films. और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरे लिए तो मेरे बचपन का सपना पूरा हो रहा है जी।
मैं क्या बताऊँ अभी आपको, आपको दिख ही रहा है मेरे चेहरे पे, आई कांट स्टॉप स्माइलिंग। अगर मुस्कुराऊँ कम तो शायद अच्छी तरह से बोल भी लूँ। आई डोंट नो, ऐसी बातें ना मुझे समझ भी नहीं आती एक्चुअली। आई एम टू न्यू टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है, और बड़ी फिल्म छोटी फिल्म ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है मैम। आई एम जस्ट एन एक्टर, आई जस्ट गो एंड डू माई जॉब एंड फिल्म रिलीज हो जाती है एंड देन वी सी। इट्स जस्ट दैट ये फिल्म इज द हीरो हीरोइन स्टार ऑफ द फिल्म, द स्क्रिप्ट एवरी थिंग इज द स्क्रिप्ट एंड वी जस्ट पीपल हु सपोर्टिंग दैट। सो आई थिंक द बिगेस्ट स्टार ऑफ द मूवी इज द स्क्रिप्ट। सो आई एम जस्ट हैप्पी दैट मैं ऐसी फिल्म मुझे ऑफर करी गई है, इट्स वेरी रेयर। मेरी कंफर्ट लेवल तो इस वक्त मैंने एक ही एक्ट्रेस के साथ काम किया है और मेरी कंफर्ट लेवल उन्हीं के साथ है, तो आप ही सोच लीजिएगा अभी मैं किस पर लाइन मारूंगा अगर मारनी है तो। ट्राई भी ना करियो। क्यों? मेरे पास नहीं लव्स अगले टाइम। वही तो।